भगा सेठ जी का फोन है। अच्छा स्पीकर पे कीजिए। बोलिए सेठ जी, आज संडे की छुट्टी के दिन कैसे फोन किया? आपका थोड़ा सा काम पड़ा है इसलिए आपको फोन किया। बोलिए बोलिए। आपके बाजू में कौन भागा है? हाँ हाँ। और तो कोई नहीं है ना? नहीं नहीं, हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से फोन स्पीकर पे कीजिए। सेठ जी फोन ऑलरेडी स्पीकर पे ही है। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ उसके पहले आपको मुझे वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन? अभी मैं आप लोगों को जो काम सौंपने जा रहा हूँ उसके बारे में आप किसी को भी नहीं बताएंगे। किसी को भी मतलब किसी को भी नहीं, खास करके दया को तो बिल्कुल नहीं। हुँ? क्या सेठानी जी को भी नहीं? नहीं। अरे कमाल है सेठ जी, ऐसी कौन सी खास बात है जो आपको सेठानी जी को भी नहीं बतानी है? वो बताऊंगा, पहले वचन दो। अरे लेकिन सेठ जी ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट है। अरे धर्म संकट नहीं भाई, ये धर्म का काम है। यहाँ पे कोई संकट में है तो उनको आपकी मदद की जरूरत है। आपकी मदद मिल जाएगी तो वो आपको दिल से आशीर्वाद देंगे, तो आपको बहुत सारा पुण्य मिलेगा। अरे लेकिन सेठ जी ऐसा कौन सा पुण्य का काम है जो करने से पहले वचन देना पड़ेगा? अरे भाई लप मुको ने वचन दो ना। एक मिनट सेठ जी, हम दोनों जरा आपस में सलाह मशवरा कर लें। आपस में बराबर है सर। ठीक है ठीक है। क्या करें बागा, वचन दे दें। क्या करें नट्टू काका, हमारे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं है। हाँ वो भी सही है, जो होगा देखा जाएगा। बराबर। सेठ जी आफ्टर ए ब्रीफ डिस्कशन we have come to a conclusion that we are quite helpless, so we have to be helpful to you. मतलब वचन दिया। अरे तो इतनी सी बात बोलने के लिए कितना इंग्लिश बोले आप। सॉरी सेठ जी। अच्छा सुनिए, अपने मेहता साहब है ना, उनके लिए आपको बढ़िया सी होटल में से एकदम बढ़िया खाना लाना है। खाना ऐसा होना चाहिए कि मेहता साहब खाए तो उनका मन तर बतर हो जाए। सेठ जी इतनी सी बात के लिए आपने हमसे वचन लिया? ये इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत जोखिम भरा काम है। सेठ जी इसमें जोखिम क्या है? बताता हूँ सुनिए। तो आप चाहते हैं कि मैं मायके ना जाऊँ? यही चाहता हूँ, यही चाहता हूँ। उसके लिए आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अगले एक महीने तक आपको स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना पड़ेगा। रोज मैं खुद टिफिन लेके ऑफिस आऊंगी, आपको मेरी नजरों के सामने पूरा टिफिन फिनिश करना पड़ेगा। और अगर आपने मेरा एक भी नियम तोड़ा तो मैं उसी मिनट मायके चली जाऊंगी। मैं कसम खाता हूँ अंजलि कि मैं डाइट फूड के अलावा और किसी फूड को हाथ नहीं लगाऊंगा। ओह I see। सेठ जी वाकई ये काम बहुत जोखिम भरा है। जोखिम भरा है लेकिन पुण्य का काम है ना बेटा। नहीं सेठ जी। अरे क्या नहीं सेठ जी, देखो देखो मेरी बात सुनो। आप लोग इतने सालों से पद्मावती भोजनालय में खाना खाने जाते हैं, क्यों जाते हैं खाना खाने? अरे बराबर है, खाना खाने जाते हैं लेकिन पद्मावती भोजनालय का खाना एकदम स्वादिष्ट है इसलिए आप लोग वहाँ जाते हैं। बराबर। वो तो है सेठ जी। हाँ अभी मान लो कि वो पद्मावती भोजनालय वाला आज आपको बोल दे कि भाई कल से आपको ये कोई स्वादिष्ट खाना मिलेगा नहीं, इसके जगह पे आपको उबली हुई सब्जी, कड़वे काढ़े, सूप, वही सब मिलेगा, वही खाना पड़ेगा तो? नहीं नहीं सेठ जी, शुभ शुभ बोलिए, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ मेहता सबका जीना मुश्किल हो गया है, कल से एक महीने के लिए उनको यही सब खाना खाना है, डाइट खाना। आज आखिरी चांस है इसलिए आपको ये काम सौंप रहा हूँ। बाप रे, बोलिए सेठ जी कहाँ से क्या क्या लाना है? हाँ हाँ मैं बताता हूँ, लेकिन एक बात का आपको खास ध्यान रखना होगा। जब ये खाना आप लेकर गोकुलधाम सोसाइटी में आएंगे तो इस तरह आना कि किसी को भी पता ना चले कि आप खाना लेके मेहता सबके घर में आ रहे। बराबर। हो जाएगा सेठ जी, हो जाएगा, आप एकदम बेफिक्र हो जाइए।
बोलिए खाने में क्या क्या लाना है। हाँ एक मिनट, वो दोनों राजी हो गए, आप बता दो क्या क्या मंगाना है। हाँ नट्टू काका भागा, सुनो पनीर बटर मसाला, पालक की एक आध डिश, लहसुनी पनीर वगैरह, सॉरी मतलब लहसुनी पालक वगैरह, समोसा, पकोड़े पकोड़े बोलना। हाँ पकोड़े पकोड़े, हाँ और पाव भाजी, चीज दम आलू, चीज दम आलू, तवा पुलाव, हाँ चीज दम आलू, चीज दम आलू, हाँ भाई बोल रहे चीज दम आलू। और डोंट वरी मेहता साहब, हम दोनों आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर अब भी आते हैं। हे बस जल्दी आइए, जल्दी आइए। हेलो, ओ रख दिया। थैंक यू भाई जेठालाल, मजा आ गया, थैंक यू वेरी मच। रुकिए रुकिए, इतना जल्दी थैंक यू मत बोलिए, पहले खाना तो आ जाने दीजिए। ओए पप्पू, मेरा मतलब है वो दोनों तो घर के हैं, उनको क्या थैंक यू बोलना। खाना आएगा, जरूर आएगा, तो डरा देते हो भाई। आ जाएंगे, आ जाएंगे, लड्डू बाबा आ जाएंगे, लड्डू बाबा साहब विजय साहब। बागा अब क्या करें, सेठ जी ने हमें बहुत मुश्किल काम सौंपा है। हाँ नट्टू काका, और ये गोकुलधाम वाले तो बहुत अलर्ट है, किसी ना किसी की नजर हम पे पड़ गई तो। करेक्ट, और हमें किसी ने पकड़ लिया तो हम क्या जवाब देंगे, हम तो वचनबद्ध हैं। हाँ बागा, हमें मेहता साहब के लिए खाना ऐसे ले जाना पड़ेगा कि किसी को पता ना चले कि हम मेहता साहब के लिए खाना लेकर आए हैं। बराबर है, आइडिया नट्टू काका। कहाँ रह गए ये लोग, जेठालाल ये लोग अभी तक खाना लेके नहीं आए, कहाँ रह गए नट्टू काका और बागा। अरे मेहता साहब थोड़ा इंतजार कीजिए, जितनी भूख बढ़ेगी उतना ही खाने का मजा ज्यादा आएगा। अनुभव बोल रहा है। जी आज हम अपने यार को अपने हाथों से खिलाएंगे खाना, और पूरी दुनिया याद रखेगी हमारा दोस्त। वाह वाह सोडी मियां, वाह, थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया। अरे सोडी भाई, दुनिया याद रखेगी हमारा दोस्ताना, पर उसके लिए जरूरी है नट्टू काका और बाघा का आना, तभी तो खाएगा ये दोस्त खाना। फोन करके पता करो ना कहाँ है नट्टू काका और बाघा। ठीक है ठीक है ठीक है। भाई साहब रिक्शा यहाँ क्यों रोक दी, अंदर तक ले लो। सब रिक्शा खराब हो गई है, सब आ तो गए, थोड़ा सा ही है, चल के चले जाइए। तुम भी हमारे गुरु निकले, मगर ये लो पैसे ले लो, रखो आराम से नट्टू काका। आ बेटा, हाँ संभाल के लेना नट्टू काका, आराम से ले लीजिए, बस आइए। मगर का फोन, सेठ जी का फोन है। बोलिए सेठ जी। नट्टू काका कहाँ पहुँचे? सेठ जी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही गए। कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे? कुछ ऑलमो ऑलमो पहुँचे ऐसा बोल रहे। ऑलमो, ऑलमोस्ट पहुँच गए होगे ऐसा बोला होगा। हाँ वो ऑलमोस्ट, वो कौन सा एरिया, कहाँ पहुँचे वो? ऑलमोस्ट मतलब लगभग पहुँच गए। अच्छा अच्छा, हाँ तो लगभग मतलब आप एग्जैक्टली किधर पहुँचे? सेठ जी हम लोग सोसाइटी कंपाउंड में आ गए हैं। ओ, सोसाइटी के गेट के बाहर पहुंच गए। मजा आ गया, मजा आ गया, आते ही होंगे। जेठालाल उनको बोलना कि जरा संभल के आए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए ना। अच्छा सुनिए, किसी को पता ना, किस क्या? हेलो, ओ फोन रख दिया, ठेवला फोन। आता, अरे टेंशन ना का गयो भाई, वो होशियार है, छोटे बच्चे थोड़ी, वो संभल के ही आएंगे। मेहता साहब अभी थोड़ी देर में यहाँ शुरू होगा आपका भोजनोत्सव। मजा आ जाएगा। भजन उत्सव, भजन उत्सव नहीं, भोजन उत्सव, भोजन खाना वाला, फूड फेस्टिवल। अरे अरे बागा भाई, आओ साथ में कौन? अरे नट्टू काका, अरे नट्टू काका, बागा भाई आप लोग इस वक्त यहाँ पर? वो हाँ अब्दुल भाई, हम लोग मेहता जी के घर नए टीवी की डिलीवरी करने आए हैं। लेकिन आज तो संडे है, छुट्टी का दिन है। बराबर है अब्दुल भाई, लेकिन हम लोग काम को पूजा मानते हैं, और पूजा के लिए कोई छुट्टी नहीं होती। नट्टू काका
टीवी बहुत हल्का लगता है, आप अकेले बॉक्स पकड़ के खड़े हैं। नहीं अब्दुल भाई, वो क्या है, मैं और नटू काका दोनों बारी बारी बॉक्स उठाते हैं। उन्होंने उठाया था, अब मैंने उठा लिया, हो गया ना बैलेंस। वाह वाह वाह। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। काश नटू काका बाल बाल बच गए। नहीं नटू काका भागा अंकल। गोली बेटा। आप ये टीवी लेकर कहाँ जा रहे हो? गोली, हम लोग मेहता जी के घर टीवी की डिलीवरी करने जा रहे हैं, उनका टीवी बिगड़ गया है। हाँ। अच्छा उनका टीवी बिगड़ गया है, पर मैंने तो सुना था उनकी तबीयत बिगड़ गई है। वो टीवी बिगड़ गया ना, इसलिए तबीयत बिगड़ गई। इस टीवी में से तो मस्त खाने की खुशबू आ रही है। वो हाँ बेटा, इसमें कुकिंग शो आता है ना। पर अभी तो टीवी बंद है ना, तो खाने की खुशबू कैसे आ सकती है? वो गोली बेटा, नटू काका लगता है इसे डिटेल में समझाना पड़ेगा। एक्सप्लेन एक्सप्लेन। वो क्या है गोली बेटा, हम फ्रिज में खाना रखते हैं, फिर भी खाना तो फ्रिज में रहता ही है ना, गायब तो नहीं होता। और गोली बेटा, ये तो 5D टीवी है। वो क्या है, नटू काका ने जब टीवी बंद किया ना, तब उसमें खाने का शो आ रहा था, इसलिए इसमें ऐसे अभी तक खाने की खुशबू आ रही है। तो तुम सोचते रहो, हम जाते हैं। आइए नटू काका। सोचो सोचो। अरे आओ कम 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 भागा बेटा जी, आइए जल्दी आइए जल्दी आइए। आ गए नटू काका। बागा ये टीवी लेके क्यों आयो भाई? नहीं नहीं मेहता साहब, इसमें खाना है। सेठ जी ने कहा था ना, किसी को शक नहीं होना चाहिए, इसलिए। अरे क्या बात है भाई, वाह जेठालाल, वाह क्या आइडिया है यार। भाई जेठालाल की क्या वाह कर रहे हो, आइडिया इनका है, इनको वाह बोलो। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। वैसे ट्रेनिंग मैंने दिए उनको तो बराबर है, बराबर। अरे हम जो भी काम करते हैं ना, इतनी सफाई से करते हैं कि काम कब पूरा किया किसी को पता ही नहीं चलता। क्यों सेठ जी? हाँ। अरे भाई तो इंतजार किस बात का, रखो 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 जल्दी। क्या खुशबू आ रही है। हाँ भाई खुशबू तो बहुत बढ़िया है, इसका मतलब कमाल का खाना लेके आए नटू काका और बागा। नटू काका वैसे इसके पैसे कितने हुए? क्या बोले आप? मैंने कहा कि बोलिए। हाँ, क्या 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 बोले, फिर से बोलिए। लाल इन्होंने पूछा कितने पैसे हुए। आपको शर्म नहीं आई ऐसा बोलते हुए? नहीं जेठालाल, वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। अरे अरे सॉरी भाई, सॉरी जेठालाल। अरे क्या सॉरी, ऐसा कोई बोलता है मेहता साहब? अरे पोपट लाल ने मुझे पहले ही कह दिया था कि आज खाने का जो भी बिल होगा वो देगा। अरे वाह पोपट लाल भाई, थैंक यू वेरी मच यार। मेहता सबको बताया नहीं, मुख से वक्त हम सबको ये सीखना चाहिए उनसे, ये गुण बहुत कम लोगों में ऐसा होता है, मुख सेवा करना, बताना नहीं किसी को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। छुपे रुस्तम। अरे भाई कोई छुपा रुस्तम नहीं है। बस ना जेठालाल, मेहता साहब तुम्हारे दोस्त है, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। अरे भाई टेंशन मतलब तुमको पैसा नहीं देना, पैसे दे दिए गए। अच्छा सेठ जी अब हम चलते हैं, वरना पद्मावती भोजनालय बंद हो जाएगा। अरे आज छोड़ो पद्मावती भोजनालय, इतना बढ़िया खाना आप लोग लाए हैं, आओ साथ में बैठ के खाते हैं। हाँ मेरे लिए आपने भाई इतनी मेहनत की है तो भाई साथ खाएंगे तो मजा आएगा। हाँ यही खाते हैं आज। थैंक यू सेठ जी, लेकिन क्या है, हम अगर पद्मावती भोजनालय में नहीं जाने वाले होते हैं
तो हमें उन्हें एडवांस में बता देना पड़ता है ताकि वो हमारा खाना ना बनाए। अब हमने उन्हें बताया नहीं, इसलिए उन्होंने हमारा खाना बनाया होगा। अब अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारा खाना वेस्ट हो जाएगा। हमारे देश में ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन बेचारों को खाना नहीं मिलता। करें। अब अगर हमारा खाना वेस्ट हो जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है ना? करेक्ट, बात सही, बात सही। नहीं नहीं, बराबर है, सॉरी। क्या बात है भाई, क्या बात है? शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, निकलिए आप लोग, निकलिए। अच्छा चलते हैं। थैंक यू। संभाल के जाना, जाते वक्त भी आप लोगों को कोई देख ना ले। फिकर मत कीजिए सेठ जी। थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। नॉर्मल नहीं, चलिए। अच्छा आप लोग मिल गए, वो बताइए ना, बन टीवी में से खाने की खुशबू कैसे आ रही थी? बाद में गोली, अभी हमारा खाना ठंडा हो जाएगा ना, चलिए। चलो भाई अब देखें कि क्या है। क्या हुआ? अरे आप हाथ लगा रहे हैं? माँ, मेहता साहब आपको सिर्फ दांत लगाने हैं। अरे भाई, मैं तो सिर्फ डब्बा खोल के देखना चाह रहा था कि नट्टू काका और बागा जो खाना लाया वो कैसा है। ओ मेहता साहब, थोड़ा सा और सबर करो। ओ, हम ये मसालेदार खाना किचन में लेके जाते हैं, प्लेटों में सजाते हैं और फिर अपने प्यारे प्यारे हाथों से आपको खिलाते हैं। अरे क्या बात है भाई, रसगुल्ला, चीज दम आलू, पनीर बटर मसाला, पाव भाजी, कचौरी, समोसा, तवा पुलाव, गुलाब जामुन, जलेबी। अरे तो मेहता साहब शुरू करें, आज तक आपने सिर्फ अंजलि भाभी के हाथ का खाना खाया होगा, आज हम दोस्तों के हाथ से खाना खाकर देखिए इसका मजा ही कुछ और है। सही बात है, बिल्कुल सही खा पोपट लाल। वैसे दोस्तों एक बात बताऊं, ये जो मैंने कसम खाई ना अंजलि से, उससे एक बहुत बड़ी चीज का एहसास हो गया मुझे। क्या? कि आप लोग मेरे सच्चे दोस्त हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मानो दोस्तों, अगर ऐसे सच्चे दोस्त किसी को मिल जाए तो धरती स्वर्ग बन जाती है। बिल्कुल, क्या बात है भाई, ये तो अद्भुत क्षण है भाई। चलिए शुभ शुरुआत समोसे से करते हैं। अच्छा, नेकी और पूछ पूछ। फोन, वो घर से फोन है। किसके? तेरे। मेरे? मेरे घर पे कौन है जो तुझे फोन करेगा? तो फिर मेरे घर से फोन आया होगा ना। सोडी, तुम फोन उठाओ, बात खत्म करो ताकि खाना शुरू कर सके। जल्दी करो भाई, जल्दी। हाँ यस रोशन माय डार्लिंग। रोशन तू कौन है? तारक भाई की तबीयत खराब है बोल के तू कहीं पार्टी शार्टी तो नहीं कर रहा है ना? अरे सोनिया, मैं गोकुलम सोसाइटी में ही हूँ। हाँ तो समझ जरा, प्लीज जरा जल्दी घर आओ। हाँ, क्योंकि हमारा पंखा बिगड़ गया है और गोगी को नींद भी नहीं आ रही है उसकी वजह से। ओए अभी आया सोनिया, तो चिंता मत कर, बस आया आया, सी यू। हाँ तो वेल आओ। हाँ बाय। ओ यारो, ओ मुझे घर पे जाना पड़ेगा, वो घर का पंखा बंद हो गया और गोगी पुत्र सो नहीं पा रहा। यू कंटिन्यू, जल्दी आना, जल्दी आना। तो फिर से समोसे से शुरुआत करते हैं। हाँ अंजलि, देख रही हो ना, मैं कोई कसम नहीं तोड़ रहा हूँ, मैंने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। ये तो मेरे दोस्त हैं जो अपने हाथों से मुझे खिला रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं पहुंच गई हूँ, चिंता मत करो। अरे बाप रे, अंजलि घर के दरवाजे पे आ पहुंची। पर अंजलि तो भोपाल में थी, भोपाल से अचानक कैसे आ सकती है? पर क्या करे साहब, मुसीबत तो अचानक ही आती है, अब क्या होगा मेरा, अंजलि क्या करेगी मेरा? अंजलि दरवाजे पे और घर के भीतर तला हुआ मसालेदार चटपटा स्वादिष्ट भोजन ढेर सारा, वो भी पड़ा हुआ है। कैसे बचूंगा मैं? अंजलि मेरा क्या हाल करेगी मुझे नहीं मालूम, कहीं हमेशा हमेशा के लिए मायके न चली जाए। ये जेठालाल की सलाह मान के तो मैं फंस गया हूँ। लेकिन मैं फंसा तो क्या हुआ, आप तो हंसते रहिए और आप हंसेंगे।
जब आप देखेंगे मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का, देखते रहिए हंसते रहिए। अंजलि क्या करेगी? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.